हे गाइस, वेलकम बैक टू बसी की रेसिपी एंड ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ छोटी छोटी भूख के लिए झटपट बनने वाला ये मुंबई का पाव रेसिपी। तो हम पाव रेसिपी कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे कट करी है टमाटो, अनियन, चिल्ली। तो गाइस, हम इसे कैसे बनाएंगे आज हम आपको इसकी पूरी रेसिपी दिखाएंगे। गाइस, हम इसे तवे पे इतने अच्छे तरीके से दिखाएंगे, तवे पे बनने वाला झटपट शाम की भूख के लिए झटपट बनने वाला पाव रेसिपी और नाश्ता जो आप किसी भी समय बना के झटपट खा सकते हैं। गाइस, तो देखिए, हमने यहाँ तवा रख लिया है और इस पे हमने डाल दिया है घी। आप घी, बटर और रिफाइंड डाल सकते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे अनियन। गाइस, तो तवा हमारा हीट हो गया, डाल दिया हमने अनियन। गाइस, तो अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ये चिली और गाइस ये हम अब ऐड करेंगे टमाटो। आप यहाँ पे कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं। गाइस, तो हम यहाँ पे डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे पाव भाजी मसाला और इसको हम चला लेंगे। गाइस, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक और इसको अच्छे से चला लेंगे। गाइस, हमारा यहाँ ये पाव भाजी मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसी तवे पर रोस्ट करेंगे पाव को। गाइस, तो देखिए, हमने यहाँ डाल दिया घी और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब गाइस, ये हमारा पाव है, हम इसे सेकेंगे इस पर। गाइस, तो देखिए, हमारा पाव कितना अच्छा सिक चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। तो देखिए, हमारा ये पाव सिक चुका है, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्टफिंग। गाइस, तो देखिए, इसके अंदर हम भर रहे हैं स्टफिंग को और इस तरीके से हमने स्पून से इसको अच्छे से दबा देना है। गाइस, तो देखिए, इसके अंदर हमने फिल कर दी स्टफिंग। अब हम इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। ये हम इस पर रखेंगे अनियन। गाइस, तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे रख दिया है अनियन। तो देखिए, हमने यहाँ पाव को रख दिया। अब हम इस पर सेव नमकीन डालेंगे। देखिए गाइस, इस तरीके से सेव नमकीन डालनी है और ये हमारा पाव बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें। थैंक यू छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए जल्द से बनने वाला ये मुंबई का फेमस स्ट्रीट स्टाइल पाव रेसिपी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस।